पांचवा अध्याय। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस बद के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, और तुम दंड के योग्य और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि तुम्हें कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम्हें कोई रोगी हो तो कलिसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी क्षमा कीजिए, तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा।